नमस्कार, कैसे हैं? पता है आपको कि मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। ऑक्सीजन पर हो? अरे भैया, लिटरली नहीं। आप देखिए, सिर्फ 2024 का जो चुनाव आने वाला है, अगर उसमें मैं चल गया वो तो ठीक है, वरना मैं चला ही जाऊँगा। रहने की उधर मैं और दीदी, मतलब मैं और पिंकी, हम लोग गए थे मंदिर में। सुरजी वाले, तुम्हें बताना नहीं चाहिए, ये नहीं करते वापी हम ऐसे हाथ उठते। अच्छा, हमने पूजा अर्चना की वहाँ पे। मैंने भगवान से कहा कि भैया भगवान जी खुश तो बहुत हो गए कि वो अपनी वो जो आज तक कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, वो हमेशा चर्च में जूते लेकर के जाने वाला आदमी, वो हमेशा दूसरी वाली टोपी पहन करके हज पे जाने वाला, वो आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाए खड़ा, अपना चुनाव चिन्ह फैलाए खड़ा। तनी भगवान जी भी बोले ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बोले, क्योंकि मेरे आगे अच्छे अच्छे निशब्द हो जाते हैं। पर बात यह है, कहाँ जाओ, कहाँ जाकर किसके हो के रहो? मोदी जी के बाद किसी ने मुझसे कहा, आने के बाद जब वो आए, मुझे किसी ने कहा कि सर क्या आजकल क्या चल रहा है? मैंने कहा मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए 3700 लीटर चला था। ओ सॉरी, लीटर बोल दे गलती, 37,000 ग्राम चला था। क्या? ओ हाँ, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर चला था। एडिट करते ना भैया, तो चला था। लेकिन भैया बात यह है, सिर्फ वहीं चल पाया। उसके बाद बहुत लोगों ने पूछा, अब आप क्या कर रहे हो, आर यू एम्प्लॉयड? मैंने कहा नहीं, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। 137 दिन मैं अपने घर से दूर रहा हूँ, वो जो मैंने मोदी उनके लिए बोल दिया था, पर माफ़ी नहीं मांगी थी मैंने। मैंने सर ये बोला था सॉरी, बस बहुत हो गई सॉरी। अब आपको मेरे से सॉरी नहीं कहनी, आपको कहना है हम तुम्हारे साथ, राहो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। और मैंने भी राह का पप्पू नहीं बना दिया, मतलब मेरे को मैंने अपने पीएम नहीं बना दिया, तो बात नहीं। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।